एक ऐसे भक्त की कथा है कि जिसने नारायण को अपने प्रेम के बंधन में बांध लिया, उत्तानपाद का कोई पुत्र नहीं है, वो इसलिए रो रहा है, रुदन कर रहा है। अनुचरी ने जाके उससे कहा, रानी से, कि महारानी राजा रो रहा है। रानी को बड़ा दुख हुआ कि भला हमारे पास कोई अभाव नहीं है, राजा क्यों रो रहा है। तो सुनीति दौड़ के गई उद्यान में और बोली, आप क्यों रो रहे हैं, आपको क्या अभाव है? देवता हमारे यहां मिलने के लिए द्वार पर ठाड़े रहते हैं, सारे प्रजापति हमारे कहे में हैं, नारद हमारे गुरु हैं, शिव हमारे ईष्ट हैं, हमारे घर आते हैं, ब्रह्मा हमारे बाबा हैं, हमारे पास कोई अभाव नहीं है। न जाने कितनी स्वर्ण की खजाने, न जाने कितना वैभव आपके पास है, आपको भान भी नहीं है, रुदन का कारण क्या है? राजा बोला, मैं वृद्ध हो गया हूं, कोई पुत्र नहीं है। रानी को सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा वैभव, इतने बड़े ऊंचाई पे होकर भी वो अपनी लोकेशणा के बस से बाहर नहीं जा पाया। रानी ने कहा, दूसरा विवाह कर लीजिए। राजा ने दूसरा विवाह कर लिया, एक कृषक कन्या से विवाह कर लिया जो राजघराने की नहीं है, सुरुचि से विवाह कर लिया, एक वृद्ध राजा और एक युवती से उसने विवाह कर लिया, 16-17 साल की एक कन्या से विवाह कर लिया, और उस सुरुचि ने भी वो विवाह कोई राजा से नहीं किया, उसने सिंहासन से विवाह कर दिया, स्वर्ण की खदानों से विवाह कर लिया, राजमहल से विवाह कर लिया, हाथी घोड़ों से विवाह कर लिया कि ये सारा वैभव मेरा होगा, यदि तो मैं यहां रानी बन गई। सुरुचि के घर आ गई, सुनीति पहले से रानी है, सुनीति महारानी है, देना जानती है, नित्य दान करती है, उसे पता है कि हमारे वैभव में परमार्थ के भी हिस्से हैं, हमारे वैभव में ऋषि मुनि संतों के भी हिस्से हैं, हमारे वैभव में पूर्वजों के भी कुछ हिस्से हैं, गौ माता का भी कोई हिस्सा है, वो सबको देना जानती है। लेकिन सुरुचि तो एक अभाव भरे परिवार से आई थी, उसे देना नहीं आता था। लेकिन जैसे ही सुरुचि आई तो उधर बड़ी रानी भी गर्भवती हो गई। सुरुचि महल के प्रसादे पे चढ़ गई ऊपर, बोली कि ये रानी इस घर में नहीं रह सकती, मैं अभी जहर पी के जान दे दूंगी अपनी। राजा विचलित हो गया, दुखी होने लगा, घर में कलह का वातावरण बन गया। सुनीति ने देखा कि राजा बहुत दुखी रहता है, राजा के पास जाके बोली कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं, मैं अपने पुत्र को लेके वन में जाना चाहती हूं, इसे कुछ प्रकृति के नियम सिखाऊंगी, ये अभी तक राजघराने में ही रहा है। इसे प्रकृति कैसे पशु पक्षियों से, वृक्षों से हमारा संबंध क्या है, मैं इसे वो सब शिक्षा देना चाहती हूं, मैं इसे जंगल में रखकर एक योग्य बनाना चाहती हूं, मैं इसे जंगल की व्यवस्थाएं बताना चाहती हूं, इसे मैं प्रकृति प्रेमी बनाना चाहती हूं। राजा मौन रहा, सुनीति ध्रुव को लेकर जंगल चली गई और वो जंगल में रहने लगी। एक जगह लोहे का कारखाना और स्वर्ण का कारखाना पास पास था। लोहे के कारखाने में से बड़ी आवाज आती थी और स्वर्ण के कारखाने में से आवाज नहीं आती थी। लोहे के कारखाने में जब घन बरसता था तो बड़ी बड़ी आवाजें निकलती थीं, क्योंकि जब लोहे से लोहा टकराता है तो गूंज बनती है, और उधर स्वर्ण के कारखाने में से कोई आवाज नहीं आती थी,
एक दिन स्वर्ण के कारखाने में से छोटा सा सोने का टुकड़ा उछला और लोहे के कारखाने में चला गया। तो वहां स्वर्ण के टुकड़े में और लोहे के एक टुकड़े में चर्चा होने लगी। स्वर्ण का टुकड़ा लोहे के टुकड़े से बोला कि मेरे कारखाने में से जहां मैं रहता हूं वहां उतनी आवाज नहीं होती जितनी आपके यहां से आवाज आती है। तो लोहे का टुकड़ा बोला कि मैं लोहा हूं और मेरे ऊपर लोहे का ही हथौड़ा बरसता है। जब भाई को भाई मारता है तो चीख जोर से निकलती है, और तू सोना है तेरे ऊपर लोहे का हथौड़ा बरसता है, तुझे कोई और मारता है तो तू धीमे रो लेता है। तो जब कुटुंब की लड़ाई होती है, परिवार की लड़ाई होती है, तो पिसना बड़ा पड़ता है, उत्तानपात, नित्य दुखी रहने लगा। उधर ध्रुव चला गया वन में और वहां आदिवासी बालकों पर वो शासन करने लगा, राजपुत्र था, सबको निर्देश देने लगा, तो इधर खड़ा हो, तेरी व्यवस्था सिंचाई की तुझे व्यवस्था करनी है, तू मेरा सेना नायक है, तुझे मंदिरों की व्यवस्था देखनी है, वो सबको निर्देश देने लगा। लेकिन एक दिन आदिवासी बालक बोले कि हम तेरे शासन में नहीं रहेंगे, पहले तू हमें ये बता तेरे पिता का नाम क्या है, तो किस गोत्र से, किस कुल से है, तेरा परिचय क्या है। ध्रुव के सामने ये पहली बार आया था प्रश्न। वो दौड़ता हुआ अपनी मां के पास गया, बोला मां मेरे पिता कौन है। रानी उसका हाथ पकड़ के एक पहाड़ की ऊंची चोटी पर ले गई, वहां से उसने इशारा करके दिखाया कि वो तू देख रहा है वो महल। बोले हां मैं देख रहा हूं, वो ये धरती के राजा उत्तानपात का महल है। रानी बोली तू और क्या जानता है उसके बारे में। बोले मैं जानता हूं कि उसकी दो रानियां हैं, एक सुनीति है एक सुरुचि है। बोले और क्या जानता है तू उसके बारे में। मैं ये भी जानता हूं कि सुनीति का एक पुत्र है और वो जंगल में रहती है, और सुरुचि का एक पुत्र है वो महल में रहती है। सुनीति बोली तो फिर तू ये भी जानता होगा कि वो रानी कौन है और उसका पुत्र कौन है। बोले मैं ये नहीं जानता हूं। उसने कहा वो रानी मैं हूं और तू राजा का बेटा है, तू उत्तानपात का बेटा है, ध्रुव है तू। बस इतना सुनना था कि ध्रुव उस चट्टान से तेज से दौड़ता हुआ, नाले और नदियों को फांदता हुआ, ऊंचाइयों पर चढ़ के और फिर नीचे जाता हुआ सीधा महल के द्वार पर जाके खड़ा हो गया और कहा खोलो, मैं राजा का पुत्र हूं, मैं राजा का ज्येष्ठ पुत्र हूं, मेरे लिए द्वार खोलो। जैसे ही सबको पता चला कि राजा का ज्येष्ठ पुत्र वापस आया है, तो थाल खंट पखावज मृदंग बजने लगे, पुष्प बारिश होने लगी, आमात्य पुरोहित राज दरबार की शोभा बढ़ाने वाले ऋषि मुनि उनके साथ हो लिए कि होने वाला राजा आया है। अनुचरियां नृत्य करने लगी, बड़े स्वागत के साथ ध्रुव को अंदर ले गए। जैसे राजा के पास पहुंचा, राजा ने उसे गोद में बिठाया।